वेलकम बैक वंस अगेन नौकरी खबर डॉट कॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आप लोग 6/4/2022 यानी कि 6 अप्रैल तक कर पाएंगे। कैसे करना होगा, कैसे आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 8वीं या 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2022 के अंदर बिजली विभाग को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे, इस वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर विद्युत सहायक की वैकेंसी मिलेंगी, असिस्टेंट यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के आवेदन करके जॉब पा सकें। तो दोस्तों, पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग की तरफ से साल 2022 की वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, जिनको आगे मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद आपको यहां पे जो है तो विद्युत सहायक की वैकेंसी मिलेंगी, और इस बीच आपकी उम्र जो है तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 41 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इनके रूल के हिसाब से छूट भी दिया जाएगा, जो कि आपको आगे बताया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी आपको छूट मिलनी है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, और मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेतन के बारे में अगर बात करें, तो वेतन आपको 25,000 रुपये से लेकर यहाँ पर लगभग 60,000 प्लस आपको यहाँ पे जो है तो वेतन देखने को मिलेंगी। अलग अलग पोस्ट वाइज वेतन के लिए आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, जिसके बाद आप लोग सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की जो भी जानकारी है, फॉर्म फीस से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपको आगे बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, उसके बाद आपको आगे की जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आपको बता दें कि तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं और तीनों के लिए आपको तीन अलग अलग नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैंने जो पहला नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, जॉब टाइटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत सहायक की पोस्ट वैकेंसीज के लिए है। फिक्स्ड यहाँ पे जो है तो आपको देखने को मिलेगा आपका वेतन, तो यहाँ पे आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद स्कोप एंड करियर के सेक्शन में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है तो रेगुलर में यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 25,000 रुपये से लेकर 55,800 रुपये तक यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी एज क्राइटेरिया है, जहाँ पे अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल के लिए मैक्सिमम 31 और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 36 तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 सालों का उम्र में छूट भी मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे आपका जो है तो 10 सालों का, और एक्स जो है तो आर्मी या फिर मान लीजिए कि डिफेंस जॉब में थे, उनको 10 सालों का छूट भी मिलना है। इसके बाद यहाँ पे जो है तो वैकेंसीज के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे टोटल जो ये नोटिफिकेशन, इसके अंदर आपको 57 वैकेंसी मिलेंगी, जहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे एसईबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए नंबर वैकेंसी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप लोग 17 मार्च 2022 से लेकर 6 अप्रैल 2022 के शाम 6 बजे तक ही आवेदन कर पाएंगे। केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको आगे मैं जानकारी दे दूंगा। चलिए दूसरे नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके ओपन करते हैं, ताकि उसके अंदर की जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जा सके।
दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन भी ओपन हो चुका है। इसी तरह से आपको एक तीसरा नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर जॉब टाइटल आप लोग यहां पे देख सकते हैं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ अकाउंट्स यानी एसटी के अंदर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो यहां पे आपकी एज है 41 यानी कि 41 सालों तक की होनी चाहिए और यहाँ पर भी आपको उम्र में छूट सेम दिया जाएगा। इसके बाद अगर नंबर वैकेंसीज की बात करें 27 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट डेट दोनों की सेम रहेंगी यानी कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी डेट यहां पे 6/4 यानी कि 6 अप्रैल तक ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस नोटिफिकेशन का डिटेल व्यू मिलेगा। एक जो बचा हुआ नोटिफिकेशन है उसको मैं वीडियो के आखिरी में जो है तो आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। दो नोटिफिकेशन हो गए, 3 टोटल नोटिफिकेशन हैं हमारे पास और यहाँ पर आपको इनका हेल्प डेस्क का नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग कॉल करके भी इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए विद्युत सहायक की पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर भर्तियों के नोटिफिकेशंस आउट किए गए हैं। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आसानी से आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लमसम में वेतन की बात करें तो 35,700 रुपये तक आपको पर मंथ का स्टार्टिंग का देखने को मिल जाएगा। आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 41 साल की होनी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से ही आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे। कैसे करेंगे, लिंक कहां पे मिलेगा, अप्लाई का ऑप्शन कहां से मिलेगा, सारी चीजों के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। कभी भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग गूगल पे जाके rozgargyan.com जरूर टाइप करें, आपको ये पेज मिलेगा और इसमें लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट भी मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PGVCL विद्युत सहायक रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। यहाँ से नीचे आएंगे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेंगी। पश्चिम यहाँ पे देख सकते हैं बीज कंपनी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जहाँ पे आपको विद्युत सहायक की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की और यहाँ पे आपको विद्युत सहायक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेंगी। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में 87 है और बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो 17 मार्च 2022 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे आपको यहाँ पे अप्लीकेशन मोड देखने को मिलेगा जो कि ऑनलाइन होने वाला है। जॉब लोकेशन आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहां से नीचे आएंगे आप लोग यहां पे देखिए और जो विद्युत सहायक की यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहां पे PGVCL विद्युत सहायक वैकेंसी का 2022 का आप लोग यहां पे एजुकेशन देखिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बाकी डिटेल के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात करें कि अगर आपकी एज यहाँ पे देखी जाए तो क्या रहेगी, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 41 साल की होनी चाहिए और इसके अलावा आपको छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप सभी का चयन किया जाएगा। देन यहाँ पे आपकी पे स्लिप है यानी कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा, तो विद्युत सहायक के लिए आपको 45,400 से 1,01,200 तक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे आपको 35,700 से 82,100 रुपये और विद्युत सहायक के लिए यहाँ पे 25,000 रुपये से लेकर 55,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी फॉर्म फीस है कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन बात करें अगर कैसे आपको अप्लाई करनी है तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे आप लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे देख सकते हैं कि आपको workfromhomejob.com की वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग घर बैठे किसी भी कंपनी के लिए काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लोग एक बार क्लिक हेयर पे क्लिक करके जरूर विजिट करें, आपको कई सारी जॉब्स मिल जाएंगी जिनको आप लोग घर बैठे करके पैसे कमा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, आपको एक बार क्लिक हेयर की बटन पे क्लिक करना है।
आप लोग जब इस पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको करियर और अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको विद्युत सहायक के सामने एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी, और विद्युत सहायक जूनियर असिस्टेंट के सामने भी आपको एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी। तीसरा नोटिफिकेशन जो मैंने पेंडिंग रखा था, इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, डाउनलोड की यहाँ पे बटन आएगी, और इस डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके आप लोग अपने पीडीएफ को किसी भी ड्राइव के अंदर ओपन कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे जो तीनों नोटिफिकेशन है ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन है, अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो चुका है। उसके अंदर आपको विद्युत सहायक और कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा 5 सालों में ये बताया गया है, और आप लोग बाकी और जानकारी जो चाहिए यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात करें तो आपको जो यहाँ पे अप्लाई नाउ की बटन मिल रही है इस पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ आप लोग इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। रजिस्टर्ड करना होगा, लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। टाइम काफ़ी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की डिटेल वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।